नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से रामकिशोर वर्मा की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। कोरोना वायरस से स्वस्थ होकर करहल घर पहुंचे अमित जैन, शुभ चिंतकों ने घरों से पुष्प वर्षा कर की जोरदार आगवानी। जनपद मैनपुरी में एक बार फिर रात भरा संदेश मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। कोरोना वायरस को हराकर पूरी तरह स्वस्थ होकर अनिल जैन के करहल घर लौटने का समाचार सुनते ही शुभ चिंतकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अमित जैन के करहल आगमन पर नगर पंचायत अध्यक्ष संजीव यादव सहित तमाम शुभ चिंतकों ने छतों एवं घरों के दरवाजे पर खड़े होकर पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा की जोरदार आगमानी से सड़क फूल पत्तियों से गुलाबी नजर आई। आंखों में खुशी के आंसू व चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लिए अमित जैन ने पुष्प वर्षा के दौरान भगवान महावीर स्वामी जी की जय के उद्घोष किया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग रख अपने अनुजों के साथ हाथ हिलाकर व अग्रजों के लिए हाथ जोड़कर अभिवादन कर अपने घर पहुंचे। अमित जैन के पूरी तरह स्वस्थ होने पर करहल नगर पंचायत चेयरमैन संजीव यादव सहित तमाम शुभ चिंतकों ने सभी कोरोना योद्धाओं में चिकित्सकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस जनों का उनके अहम योगदान पर हृदय से सभी का आभार जताया है। बताते चले कि कस्बा करहल निवासी अमित जैन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लंबे समय के उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ होकर आज दोपहर सरकारी एम्बुलेंस से करहल अपने घर पहुंचे। आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर संजीव यादव चेयरमैन और अवनीश जैन जो शुभ चिंतक है उनका इस विषय पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। करहल नगर में जो अमित जैन, डॉक्टर अमित जैन जो फॉरेस्ट हॉस्पिटल से आए थे, जो पॉजिटिव पाए गए थे, तो आज बिल्कुल सही होकर हम लोगों ने उनको पुष्प वर्षा करके सोशल डिस्टेंस का बहुत बड़ा पालन करके उनको पुष्प मालाओं से उनको सुशोभित करके ऊपर पुष्प मालाएं बरसाई, उनका स्वागत किया। हम लोगों को आज बहुत खुशी है मेरे नगर में, हमारे मोहल्ले में सभी लोग बहुत खुश हैं। आपके नगर में भी पुष्प वर्षा हुई है, क्या है पूरा मामला? ये मेरे पड़ोसी और छोटे भाई डॉक्टर अमित जैन, इनका आज से 20 दिन पहले, ये आगरा पारस हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और लगभग 25 दिन पहले करहल आए थे, तो एहतियातन इनकी जांच कराई गई, कोरोना से पॉजिटिव निकली। भगवान की असीम कृपा से कल उनकी दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव आई, आज तीसरी भी नेगेटिव आई, तो पूरे शहर के लोगों ने उनका स्वागत किया। किस तरह से अपने घरों से किया गया, सड़क पर निकल के? अपने घरों से सड़क पर निकल के एक एक दो दो मीटर की दूरी बनाते हुए, और सभी लोगों ने दीर्घायु हो, सतायु हो, उनकी लंबी उम्र की कामना की। ईश्वर से मेरी भी ये प्रार्थना है कि मेरे शहर के लोग सभी जल्दी स्वस्थ होके आए।